तो बाबा विधिचंद जी, भाई गुरदास जी जो और महान सिख थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आपने नवजात बालक को नमस्कार क्यों की, इसके पहले भी आपके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा ये बालक जो है महान बालक है, महान तपस्वी होगा, महान योद्धा होगा और ये सब कुछ न्योछावर कर देगा देश के लिए, धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए। सिद्धांत जो है उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर देगा। आप पूरा जीवन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का देखिए कि किस तरीके से उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में उनका पहले नाम जो था जो है वो उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो युद्ध का कौशल दिखाए, उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कहा कि आप तेग के धनी हैं, आपका नाम आज से तेग बहादुर होगा। और उसके बाद आप देखिए कि जो उन्होंने तपस्या की, जो उनकी साधना का सारा रहा और जिस तरीके से उन्होंने 26 साल साधना की और तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हमें आगे की तैयारी करनी है, देश का भ्रमण करना है, जुल्म के लिए लोगों को खड़ा करना है, जुल्म के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गए, उत्तर प्रदेश में जो है और जो बिहार में, बंगाल में, ढाका में, आसाम में और जो उत्तराखंड में, जहाँ भी गए उनके पवित्र चिन्ह मौजूद हैं। आप देखिए कि राजा जो है आसाम का राजा था, उसके पुत्र नहीं था, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज से निवेदन किया कि आप जो है हमें कृपा कीजिए कि हमारे पुत्र हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, तो उन्होंने देखा कि इनको विश्वास नहीं है। गुरु महाराज ने मुंद्री पहनी थी, राजा के मत्थे पर मुंद्री रख के उन्होंने जो है कहा कि जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उसके मत्थे पर यह निशान होगा। मैं बहुत समय ना लेके मैं जितने भी है जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का ऋण मानवता जो है चुका नहीं सकती है, देश चुका नहीं सकता है। और अगर हमारा ये था कि आपने श्री गुरु बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का आपने इतिहास जो सम्मिलित करके पाठ्यक्रम में लिया, तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का जीवन, उनकी शहीदी को भी अगर आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो ये देश के लिए, मानवता के लिए एक ये भी आपका बहुत बड़ा कुर्बानी और योगदान होगा। मैं जो है ज़्यादा समय ना लेके मैं मुख्यमंत्री जी का हम लोग संबोधन सुनना चाहते हैं। आगे उनको अयोध्या जाना है और हम लोग आपसे बताते हैं कि हम लोगों को जब अभी जो है हमारे भाई बंता सिंह जी ने कहा किसानों के लिए, भाई बंता सिंह जी को ये बताना है कि लखीमपुर की घटना हुई, घटना होने के कुछ घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके और सारे जो भी दुखद घटना के बीच में हमारे मृतक भाइयों की डेथ हुई थी उनको 45-45 लाख का मुआवजा कुछ घंटे के अंदर देने की घोषणा की। आप देखते हैं कि उनके राज्य में किस प्रकार एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र को भी कानून का पालन करवाने के लिए, कानून का सम्मान करने के लिए और ये कि आगे एक उदाहरण बनने के लिए। लेकिन बर्बर और अत्याचारी औरंगजेब के कुल खानदान को कोई पूछने वाला नहीं है। उस कालखंड में जो व्यक्ति मान के चलता था कि उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वह भारत के धर्म को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को रौंद करके अनंत काल तक शासन कर पाएगा, उसके मंसूबे उसके जीवन काल में ही ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। दक्षिण यात्रा के बाद औरंगजेब उत्तर भारत में नहीं आ पाया, लेकिन सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान आज भी न केवल इतिहास में बल्कि हर एक भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का एक नया भाव पैदा करता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया था।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक घटनाओं के भी उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर हुए आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ आज जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सत्य धर्म और न्याय के मार्ग की जीत का, और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही तो खालसा पंथ के पीछे का उद्देश्य भी था कि अपने पथ से कभी विचलित न हो, जो सत्य का मार्ग होगा, जो धर्म का मार्ग होगा, जो न्याय का मार्ग होगा, बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे,